नमस्कार। आज मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा, श्री अग्रसेन सोसाइटी के इलेक्शन के अंदर मैं एक छोटा सा प्रत्याशी कार्यकारिणी मेंबर के लिए खड़ा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 31 है। छोटा सा परिचय है सोसाइटी के बारे में जो मुझे ध्यान है। 40 साल पहले श्री अग्रसेन सोसाइटी को की स्थापना हुई और उस समय श्री महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों को लेकर इसकी शुरुआत की गई। 7000 रुपये से लेकर 56 लोगों के करीब लोगों ने सोसाइटी बनाई, जिसका उद्देश्य था कि गरीब लोगों को सोसाइटी कुछ सहारा दे सके। बहुत सारे परिवार जो कि हरियाणा से या दूर दराज गाँव से आते थे अपने जीवन यापन के लिए दिल्ली में, तो यहाँ के आसपास के शहरों में, दिल्ली जैसे जगह में, पंजाबी बाग, करमपुरा, मोतीनगर आदि में बस गए और सोसाइटी ने उन लोगों को काफ़ी सहायता करी और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। मेरा सोसाइटी के इलेक्शन लड़ने का ये मुख्य कारण है कि मैं चाहता हूँ कि अग्रसेन जी के बतलाए रास्ते पर चले सोसाइटी। उनके बतलाए रास्ते थे समर्थ, समग्र और समरसता का रास्ता दिखलाया था उन्होंने, और एक ईंट और एक रुपया देकर जो उन्होंने अपना एक आदर्श स्थापित किया था कि कोई भी उनके शहर में आता था अग्रोहा में तो वो उसको बसाते थे और उसकी आर्थिक सहायता करते थे। मेरा मानना है कि आज सोसाइटी जिन लोगों के द्वारा चलाई जा रही है वो शायद महाराजा अग्रसेन जी के दिखाए रास्ते पर चल नहीं पा रहे, भटक गए हैं। मेरा मानना है कि आज सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ों को हमें देखना चाहिए। चुनावों के अंदर सबसे पहला मेरा कहना यह है कि धन बल की जो यहाँ पर बर्बादी होती है उसे ख़त्म करें और यही पैसा अगर हम समाज के कल्याण के लिए लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। मेरा दूसरा मानना यह है कि जो भी प्रधान पद के लिए पुरुष अगर चुना जाता है तो अगला टर्म महिला को देना चाहिए ताकि महिला सशक्तिकरण समाज में हो सके और इसका प्रयास करना चाहिए। मेरा तीसरा कहना है कि आप मेघावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दें और उनके लिए एजुकेशन लोन, जो सबसे बड़ी समस्या है एक छात्र को हायर एजुकेशन के लिए लोन की, तो सोसाइटी सुनिश्चित करे कि उसे लोन दिला सके और वो एक अच्छी अपनी उच्च शिक्षा ले सके। मेरी एक अपील यही रहेगी कि सोसाइटी आधुनिक ढंग से काम करें। जैसा कि वर्तमान में राष्ट्रवादी सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ दे रखी हैं, युवकों के लिए रोजगार के लिए कौशल विकास की योजना है, उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना है, स्टार्टअप हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे प्रोग्राम हैं और डिजिटल इंडिया का निर्माण। मेरा कहना है कि सोसाइटी के अंदर ये सभी चीज़ें होनी चाहिए और ऐसी राष्ट्रवादी सरकार की योजनाओं से जुड़ना चाहिए ताकि हम सभी लोगों का विकास कर सकें और जितने भी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग हैं उनको सोसाइटी इस माध्यम से फ़ायदा पहुँचा सकती है। मेरा यही सभी से कहना है कि आइए हम इस चुनाव में एक ऐसी कार्यकारिणी और प्रधान को चुने जो वास्तव में महाराज अग्रसेन जी के बतलाए रास्ते पर चलकर राष्ट्र और समाज के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। जय हिंद।